तो हाँ जी राम राम जी। तो स्वागत है आपका फिर से अपने पहलवान व्लॉग्स पे। तो एकदम प्लान बना कि भाई चलो घूमने चलते हैं, मतलब कोई प्लान ही नहीं था ऐसा कि मतलब पहले से तैयारी होती है ना कि जब चलना है तब चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब प्लान बना और भाई चलो भाई, मतलब हाँ एकदम चलो, मतलब कह दिया तो कह दिया मतलब। तो भाई बाई कार जा रहे हैं, ट्रिप थोड़ी लंबी है और मेरी इच्छा काफ़ी समय थी वहाँ पर, रील्स वगैरह में बहुत सारी देखता था, मतलब एक सुकून होता है ना कि ऐसी जगह जाने की दिल की इच्छा करती है। तो मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा और फाइनली वो दिन आ गया है आज। और अभी हम लोग पांचों भाई निकल रहे हैं बाइक कार, और अभी है लंबा सफ़र तो ट्रैवल थोड़ा होगा। अभी का तो व्यू मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, बाकी आप सबको भाइयों से मिलवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अभी है नाइट तो पहले गाड़ी पर ड्राइव पर ध्यान देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे सब चीज़। क्योंकि अगर हम सेफ़ हैं तभी हम आगे का व्यू आपको दिखा पाएंगे, अगर हम सेफ़ नहीं है तो फिर क्या। चलो मिलते हैं आप सबको। हाँ जी भैया, निकल चुके हैं टूर के लिए, टूर हो गया हमारा स्टार्ट। अब भैया जर्नी है बहुत लंबी, अब देखते हैं कैसे जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है और कैसे ही एंड होगी। जैसा भी होगा, जो भी होगा, एडवेंचर होंगे, खुशियाँ होंगी, गम होगी, मतलब जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, सबसे पहले गाड़ी में करवाना है तेल को फुल, फिल चलेगी गाड़ी लंबे टूर के लिए। और भैया अभी हम अपने मेडिकल कॉलेज के पास। जर्नी के लिए के कुछ कहना चाहोगे कुछ आप? भाई के पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मना कर दिया। हाँ कुछ कहना चाहोगे जर्नी के लिए? भाई जर्नी के लिए बताओ कुछ कहना चाहोगे क्या? जर्नी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया रहेगी एकदम। हाँ भाई बता कुछ कहना चाहोगे जर्नी के लिए? यात्रा मंगलम में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सचिन? सचिन क्या होना चाहिए? यात्रा अच्छी होनी चाहिए, यात्रा अच्छी होनी चाहिए। भाई कुछ कहेंगे? भाई आप बताओ कुछ कहना चाहोगे? ठीक है भैया। किथे बदलां तो दूर होड़ी है, मेरे वांगू भी मजबूर होड़ी है, सुनती तो गल भी जरूर होड़ी है। टाइम क्यों रहा? टाइम हो रहा है जी 6:30। 6:30 बज रहे हैं भाई, और अभी रुके हुए हम लुधियाना में। अभी थोड़े से चाय वगैरह थोड़ा आँख खुल गया, मतलब सभी लोग नींद में थे भाई भी, और सचिन भाई ने तो पूरी रात ड्राइविंग करी है तो थका हुआ है, इसको अब नींद देंगे हम। ये भाई थोड़े से स्नैक्स हैं, मटरी है, चाय है, बाकी ये शुद्ध मूस वाले का भाई है छोटा अपना, ये बैठे हैं प्यारे भाई। भाई रात कैसी कटी तुम्हारी? मजा आ गया। हाँ जी रात रात सोए नहीं? भाई सब चीज तो देखी जाए, बस पता है क्या, एक ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है वो बहुत मेहनती होता है, तो ये भाई जो सचिन है ना हमारा, एक एक घंटे को जो आग लगी हो मालिक की, 24 घंटे गाड़ी पे निगाह डाली है, दादा ऐसा चलाओ ऐसे मत चलाओ। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, तो ये भाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी है कि साड़े की नोना पता चली पड़ा कहाँ पूरे। तो भाई अभी रुके हैं कुछ खाने, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा तेज, मतलब बर्दाश्त से बाहर थी भूख, सभी को लग रही थी भूख, पर वही है ना कि कोई एक आदमी आगे आना चाहिए कि हाँ भाई भूख लग रही है रुको यार कुछ खाना है। तो अभी यार भूख का हाल ये रहा, मेरा भूख का ये बहुत कमजोर बालक हो चुका है, एक भाई है। तो भाई अभी दिया है सिर्फ एक प्लेट के लिए ऑर्डर, पहले उसका टेस्ट करेंगे उसके बाद देंगे 5 थाली का ऑर्डर, अगर अच्छा लगता है तो दे देंगे, नहीं तो फिर कहीं और चलेंगे। बिल्कुल अभी अभी 5 मिनट पहले ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, हम थोड़े से लेट हो चुके थे वरना आपको ये दृश्य बिल्कुल दिखाते। सचिन ने बहुत पूरा सहयोग करा हमारा, एक मिनट को जो पलक मारी हो बंदे ने, आग लाल हो रही है सचिन भाई की। मैं थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया क्योंकि शायद मेरी टर्न आने वाली है थोड़ी देर। रात जगे हैं सचिन भाई, पूरे दिन हो गया जगते जगते, क्यों भाई कैसा फील कर रहा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फील कर रहा। तो मतलब अभी इतना लंबा सफर हो गया तेरे को गाड़ी चलाते हुए, तो मतलब ये लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट तो कर रहा है कि मतलब तेरे को गाड़ी चला रही इतनी पड़ रही है, ये तो पहले चला चुका? पहले इतना नहीं चला है, पर
पर भाई मैं भी फर्स्ट टाइम ही चला रहा हूँ। तो भाई सचिन आपसे पहले इतना लंबा सफर किया लास्ट टाइम आपने और हमने केदारनाथ का किया था। नहीं दादा हम भी क्या था जब उदयपुर गए थे। उदयपुर गया हाँ हाँ वो में भी 950,000 किलोमीटर के आसपास था। तो भाई प्रिंस आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब आपने फर्स्ट टाइम किया पर मे भी आप पहले कर चुके हो मनाली वगैरह का ट्रिप कर चुके हो। पहले कर लिया जी लेकिन ये ज्यादा हार्ड लग रहा है। ये ज्यादा हार्ड लग रहा है। तो प्रिंस भाई आप कुछ कहना चाह रहे हो? एंजॉय अभी हालांकि व्यूज तो अच्छा ही रहा है क्योंकि भाई देखो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये जगह हुई ये जगह ऐसी है मतलब कि आदमी अगर जितना ही यहाँ पे घूमे ना उतना ही कम है। मतलब हर वेकेशन पे अगर यहाँ पे आए ना तो मतलब ये ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ही आ रहा है क्योंकि मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है। और मैं तो इस साइड फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, शायद ये लोग पहले आ चुके हैं पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी देखता हूँ मैं कितना एंजॉय कर पाऊंगा यहाँ पे आके। तो जब हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एंटर करा तो देखा कि एक बराबर से नदी थी तो इसके बारे में जाना जिसका नाम चिनाब नदी है और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तानी के इलाकों में जाकर बहती है। जम्मू हाँ जी। तो भैया पहुंच चुके अपने बेड पर, अब हारे थके सुबह के निकले हुए और रात को अब पहुंचे हम लोग। रात कल रात निकले थे और आज रात पहुंचे। अभी हमने कर चुके हैं डिनर और ले लिया हमने होटल और भाई प्रिंस भाई भी अपने साथ है, अपनी डिनर कर लिया निकला और सब काम बाद में। पहले बेड पकड़ा, बाटी ने पकड़ी पहले रोटी। अब सचिन की तुम पता ही है पूरे दिन हो गए, पूरी रात होगी, 24 घंटे हो गए काम करते करते सोए।